सबको आवाज आ रही है हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाय, क्या आवाज आ रही है सबको मेरी और नो। आर वी लाइव बच्चों ओके आई गेस वी आर लाइव एंड वी विल स्टार्ट इट गुड इवनिंग हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू द क्लास। माय नेम इज मानन एंड आज आपको मैं कराऊंगा जबरी एक्सप्रेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन जी हाँ माई नेम इज मन मैं क्लास सेवन का मैथ्स एजुकेटर हूं आपका और टू थाउजेंड ओके जस्ट गिव मे अ सेकेंड मैं थोड़ा सा कैमरा फिट कर देता हूँ मेरा फ्रेम के अंदर ओके सो आई गेस दिस शुड बी गुड इनफ ओके एक सेकेंड देना मैं कैमरा फिट कर लू मेरा यहाँ पे फ्रेम के अंदर एंड इज दिस गुड इनफ फॉर यू गाइज इज दिस गुड इनफ आवाज और सब साथ साथ बराबर आ रही है ना बताओ या सुन लो क्या आवाज के साथ साथ सब कुछ बराबर आ रहा है ना वीडियो और आवाज सब एक साथ आ रही होगी राइट और रॉन्ग नमस्कार नमस्कार। ठीक है हाँ चलो ठीक है तो बच्चों मैं रोज लाइव आता हूं सुबह बारह बजे डेढ़ बजे ढाई बजे सात बजे ऑन दिन अकेडमिक क्लास सेवन चैनल ईच एंड एवरी क्लास इज ऑफ हाफ एन आवर ठीक है ईच एंड एवरी क्लास इज ऑफ हाफ एन आवर सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जहां पे आपको लाइव अपडेट्स मिल जाएगी चैनल की नोट्स मिल जाएंगे आपको डायरेक्ट इंट्रैक्शन मिल जाएगा हम लोगों के साथ हम लोग मतलब कौन वी आर द टीचर्स ओके वी आर द टीचर्स जो आपको रेगुलरली पढ़ाते हैं हम सबके साथ आपको रेगुलर इंट्रेक्शन मिल जाएगा अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है ओके okay? इसके अलावा देर आर सम इंपॉर्टेंट अपडेट्स बच्चों आज का डाउट आपका मेन फीचर है का इज फ्री एंड बच्चे बच्चे यूज यूज नहीं करते इसको देखो करोगे तो क्या मिलेगा आपको आपको अनलिमिटेड डाउट पूछने को मिलेंगे आपको किसी मर्जी टाइम डाउट पूछ सकते हो हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप एग्जैक्ट मैचेस ले सकते हो आपके क्वेश्चन के एंड इसके अलावा इंस्टेंट एक्रेट सोल्यूशन लैक्स ऑफ क्वेश्चन विद होमवर्क सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे इसके अलावा आपको सिर्फ एप्लीकेशन ओपन करके आज के डाउट पे क्लिक करना है और अपने डाउट की फोटो क्लिक करके अपलोड करनी है दैट्स इट इट इज डन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा फ्री में कोई भी बड़ा से बड़ा डाउट हो तो सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे एंड इसके अलावा क्लास सिक्स से ट्वेल्थ के लिए फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है हमारा अन का इमर्ज इंडिया का सबसे बड़ा फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है ये एंड ट्वेंटी जून ट्वेल्थ पी पे होने वाला है जहां पे आपको ये सब प्राइजेस मिल सकते हैं आपको पांच करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है बच्चों जहां पे इसके अलावा मर्श के अंदर थर्टी क्वेश्चन आएंगे एंड कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए क्योंकि ये मेंटल एबिलिटी है और फाइव करोड़ तक के प्राइस ले जाओ ठीक है एंड द लास्ट ऑफर इज दिस जो हमारा सेवनटीन जून तक के लिए वैलिड है सेवनटीन कब है सर टमोरो नाइट तक के लिए ओके जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन प्लान बड़ा खरीदोगे उतना ही एक्स्ट्रा मिलेगा आपको तो अगर आप बड़ा सब्सक्रिप्शन प्लान खरीद रहे हो वन ईयर वन पॉइंट फाइव ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर ईयर्स तो आप इनमें से कोई भी ऑफर ले सकते हो कंप्लीटली फ्री में ओके चलिए सर आपने आज मुझे बकरा बना दिया हेलो ये लीजिए मेंटी क्विज का कोड बच्चों आज डायरेक्टली मेंटी क्विज से चालू करेंगे कोई लेट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने से काफी बढ़ा दिया है आपको तो मैंने सुबह से एक भी क्विज नहीं कराई तो ये लीजिए अब आपकी मेंटी क्विज आ चुकी है आपकी स्क्रीन पे सब बच्चे कोड लिख लीजिए सर आपने एक्सप्रेशन सॉल्व करना सिखा दिया yes, बच्चा एक्सप्रेशन सॉल्व करना नहीं सिखाया मैंने अभी वो मैं कल कल सिखाऊंगा सिखाऊंगा एडिशन वाला पार्ट मैं कल एक बार आज तक मैंने सिर्फ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स पढ़ाई है ओके okay? जी हाँ सर हाउ टू ज्वाइन मेंटी बेटा गूगल पे सर्च करो मेंटी भैया को मैंटी भैया को सर्च करने के लिए नहीं मेंटी दी दीदी है हमारी मेंटी दीदी को सर्च करने के लिए गूगल पे लिखो मेंटी मेंटी दीदी प्रकट हो जाएंगी मेंटी डॉट कॉम की फॉर्म के अंदर जैसे ही आप इसको ओपन कर लोगे आपको वहां पे कोड एंटर करने का ऑप्शन आएगा उस कोड में ये एंटर कर देना डबल सेवन थ्री वन जीरो डबल टू सिक्स ओके आप ज्वाइन हो जाओगे मेंटी दीदी को गूगल पे सर्च करो मेंटी डॉट कॉम आएगा उनको ओपन करके वहां पे कोड डाल दो लेक्टेड फॉर द लर्नर ऑफ द वीक बाय मैम पैन कार्ड नहीं मांगा जाएगा ठीक है बेटा वेरी गुड अगर नहीं मांग रहे वो देखो मेरे को मेरे बॉस ने तो मना किया था अगर वो नहीं मांग रहे तो वेरी गुड अगर मैम के साथ जाओ तो मुझे बुला लेना मैं भी आ जाऊंगा ओके okay? मुझसे मिल लेंगे चलो ओके okay? चलिए बच्चा इक्वेशन में इक्वल का सिंबल आता है ये इक्वेशन नहीं होती ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहां से इक्वेशन हो गई अगर वहां पे इक्वल का सिंबल नहीं आया तो इक्वल का सिंबल नहीं आया तो इट इज एन एक्सप्रेशन ओके क्लियरली इट इज एन एक्सप्रेशन नाउ जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे जो ज्वाइन करेगा मुझे बताएगा मेंटी और सारे बच्चे इंश्योर करेंगे कि उन्होंने लाइक कर लिया है सेशन को ओके okay? चलिए सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे लाइक करना नहीं भूलेंगे एंड इसी के साथ मेंटी क्विज कोड हम शेयर कर लेते हैं यहाँ पे विच इज डबल सेवन थ्री वन जीरो डबल टू सिक्स

वो देंगे हमारे मेंटी लाइक्स हमारे स्पेशल मेंटी लाइक्स होते हैं जिस दिन मेंटी होता है उस दिन मेंटी लाइक्स निकलते हैं हमारी क्लास में जब बच्चे थर्टी लाइक्स पूरे कर देंगे मेंटी की पूरी पावर आ जाएगी एंड वी विल स्टार्ट इट ओके सो मेंटी पावर देने के लिए रेडी हो जाओ बच्चों वी वी हैव कितने बच्चे आ गए हो यहां पे थर्टी टू बच्चे आ चुके हो ओके ओके गुडलीन मैम की में सेलेक्ट गई वेरी गुड इश्यू वेरी गुड जी हाँ मेंटी पावर आ जानी चाहिए सर आपको सब मेंटी पावर दे देंगे किस किस ने ड्रैगन बॉल्स ही देखा है सर आप बुड्ढे नहीं हो अरे मैं हो गया मैं दिल से बुड्ढा ही हूं जी हाँ 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 मैं आ जाऊंगा श्रेस बिल्कुल आ जाऊंगा गुडली मैम को बोल देना याद से कि मैम मानन सर से ही मिलना है उनको बुला लो ओके मैम मुझे बुला लेंगे चलो कैसे ज्वाइन करना है अभी तो बताया इतना सारा भैया मेंटी मेंटी खोलो mentee को गूगल पे सर्च करो आपको मेंटी दीदी सर्च करोगे गूगल पे तो क्या मिलेगी मेंटी गूगल दीदी देंगे आपको मेंटी डॉट कॉम लिख के इसको ओपन कर लो वहां पे ये कोड एंटर कर दो यू विल बी विद मी इन द मेंटी क्विस्ट सर आपने मुझे हर क्लास में इग्नोर किया यहाँ भी कर रहे हो धत्री आप पांच पांच बार लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा हाँ आप एक बार लिख के आते ना तो मजा सा नहीं आता इसीलिए मैं इग्नोर कर देता ओके तो चलिए वी हैव थर्टी एट पीपल हियर सो लेट स्विच टू देंटी स्क्रीन ओके मेंटी स्क्रीन पर स्विच मार जाते हैं हम लोग ये लीजिए आपके लिए स्पेशल एक मेन्टी पे बनाई है मैंने विच इज एन फ्रंट ऑफ यू अरे भैया हिल जाओ रे मनन सर की शक्ल हिल जाओ थोड़ी सी जी हां आई हैव ज्वाइंट आई हैव ज्वाइंट वेरी गुड यू हैव ज्वाइंट नाइस 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 ये लीजिए मन सर थोड़ा सा नीचे आ जाओ मेंटी के क्वेश्चन कट जाते हैं ऊपर से चलिए तो चालू कर देंगे अगर आप उन्हें नहीं बुलाएंगे ये कहूंगा गुडलिन मैम को जाके बोल देना कि मैम हम तो कल मनन टेन कोड यूज कर रहे हैं देखना फिर क्या होता है देखना उसी क्लास में लाइव में देखना क्या होता है ठीक है चलो लेट स्टार्ट इट इन फाइव प्लीज फाइंड द ट्रेन ओके थोड़ा सा फाइंड कर लेते हैं बच्चों को जरूरत है ढूंढने की बच्चे खो जाते हैं हमारी क्लास में तो ये रही हमारी ट्रेन पकड़ के बाहर ले आए सर चली गई और किसको ढूंढना है आई एम द लायन बेटा ये टाइगर है इट इज नॉट ए लाइन ओके वन मिनट वन मिनट जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हो गया सुरभि ज्वाइन हाँ मैं भी डू यू यूज मीट नो बेटा वी डोंट यूज मीट वी यूज दिस मेंटी चलिए हां जी सर केक अरे केक तो मैंने खा लिया केक तो मैंने लिटरली पंद्रह मिनट पहले केक ही खाया मैंने 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 पेस्ट्री खाई अब तीन पेस्ट्री खा ली मैंने तीन पेस्ट्री खा ली मैंने तीन मस्त पेट भर गया मेरा ये रहा बर्गर चलो बच्चों सब को मैंने ढूंढ लिया होगा अगर ये देखो ये बर्गर छुप के बैठा है नीचे इसको तो मैं बाहर निकाल के खा जाऊंगा ये लो चलो सर को बर्गर खिलाएं क्या सर को बर्गर खिला दूं एक बार फिर चालू कर लें ये लो सर सर इधर आओ रुको सर के मुंह में बर्गर ऐसे आ जाएगा क्या आ रहा है क्या ऐसे करके बर्गर मुंह में <laughs> आ गया ना आ गया ना बर्गर मुंह में आ गया ना <laughs> ओके ओके हाँ फुल स्क्रीन कर रहे हैं फुल स्क्रीन कर रहे हैं यस चलो चालो किया जाए <laughs> सर ने बर्गर खा लिया सो लेट स्टार्ट इट बच्चों इन फाइव इन फोर इन थ्री इन टू एन वन लेट स्टार्ट इट लेट स्टार्ट इट तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है ये सर डोंट डू जोक स्टार्ट अच्छा ठीक है ओके ऑफ एक्स एक्स इन का क्या आएगा बच्चों मैं क्वेश्चन तो बीच में नहीं आ रहा हूं ना क्वेश्चन के बीच में नहीं, नहीं आ रहा हूं अगर ऑप्शन के बीच में आ रहा हूं थोड़ा साइड हो जाते हैं बट बाकी तो आपको मेंटी में आंसर दे रही है okay, बीच में नहीं आ रहा हूं ठीक है मैं नीचे कर रहा देखो लाइव चैट में आएगा कोड थ्री वन जीरो डबल टू सिक्स ये लीजिए आई एम लेट सॉरी इट्स ओके फर्स्ट क्वेश्चन है जल्दी से ज्वाइन कर लो सर अकेडमी से मेरे छोटे कॉल आया था अब मैं कुछ ही दिन में सब्सक्रिप्शन लेने वाली हूँ ओके गुड चलिए आंसर आएगा 9X. क्या बताया था nine नहीं होगा बेटा का स्क्वायर है आप उसमें से एक एक्स बाहर निकाल लोगे तो एक फिर भी बच जाएगा एक एक्स बच गया विद आंसर ओके एक एक्स बच जाएगा नाइन के साथ तो नाइन एक्स विल बी योर आंसर गॉट इट हमारे प्यारे प्यारे सर बिल्कुल बेटा थैंक यू प्यारे प्यारे बच्चों सर प्लीज रिवाइज बेटा सारी क्लासेस सिर्फ हार्डली 25 फाइव तो टू थर्टी मिनट्स की होती है आप कोई मर्जी क्लास खोल के ओपन करके डायरेक्टली जल्दी से पढ़ सकते हो उसको तो फास्ट फॉरवर्ड कर लो देखो मैं आपको एक चीज बताऊं मैं एक चीज बताऊं बच्चों पहले एक सेकेंड इशु इतनी जल्दी मेंटी यस देन वी हैव कार्तिक देन वी हैव मानस फिर श्रुतिका शाद फिर द्विज आ गया वी हैव यहाँ पे नमन वी हैव अनिश वी हैव रेनू एंड वी हैव सत्यम एक चीज दिखाता हूँ एक चीज दिखाता हूँ आपको Uh, हमारी सारी क्लासेस कैसे हो गई है आप सब बच्चों को पता होगा ना अभी कि हमारी ईच एंड एवरी क्लास इज टॉपिक वाइज ना राइट जैसे कि अगर मैंने आपको लाइक एंड अनलाइक टर्म्स पढ़ाया है तो वो आपको मिल जाएगा कितने टाइम टाइम के अंदर कितने टाइम की क्लास के अंदर थर्टी मिनट की क्लास के अंदर आपको वो मिल जाएगा राइट और रॉन्ग पहले मुझे ये बताओ क्या हमारी थर्टी मिनट की क्लास में आपको ऐसा टॉपिक मिल जाएगा एक एल्जेब्रिक्स का यस ना इसके अंदर क्या फायदा है इस क्लास के अंदर मेन कंटेंट कितना तो होता है पढ़ने का ट्वेंटी मिनट्स का क्योंकि सर थोड़ा सा हमारा अन अकेडमी का प्रमोशन भी होता है थोड़ा सर बच्चों पे ध्यान भी देते हैं कमेंट्स भी पढ़ते हैं और सर बोलते धीरे हैं तो अगर इसको आप टू एक्स पे देख लोगे तो कितनी देर की क्लास बची बच्चा दस मिनट की क्लास ही तो हुई सिर्फ दस मिनट के अंदर क्या आप लाइक अनलाइक टर्म्स पढ़ सकते हो मुझसे तो बच्चा अगर कभी भी कोई भी क्लास मिस हो जाए जस्ट ओपन द क्लास टॉपिक वाइज सब लिखा हुआ है प्ले में जाओ मनन सर की वहां लाइक अनलाइक टर्म्स मिल जाएगा लिखा हुआ मनन सर की प्ले लिस्ट में तो आप लाइक अनलाइक टर्म्स पे क्लिक कर लो टू एच के स्पीड करो दस मिनट में काम खत्म करो शाम की मेंटी में टॉप में करने के लिए आ जाएंगे क्या करेंगे शाम की मेंटी में टॉप में? करेंगे सर टॉप ओके तो चलो इस चीज का ध्यान रखो बच्चों लाइक like एंड लाइक like, टार्म साफ इस तरह के छोटे टॉपिक्स को आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो जल्दी ऐसे करके सर हम तो कॉफी पीने बैठेंगे हम तो खाना खाने बैठेंगे खाना खाते खाते देख लेंगे और हम हो जाएंगे फास्ट ओके तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड क्वेश्चन बाकी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं तो लेट्स स्टार्ट ये लीजिए टॉप हां जी सेकेंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आएगा ये रहा सेकेंड क्वेश्चन क्या है सर सर कहेंगे कि मनन सर रोने लगेंगे अगर आप उन्हीं नहीं बताएंगे ये कहूंगा हाँ like बच्चों कौन सी वाली लाइक like टर्म है 5x2 की जी ओके हाँ. okay. नहीं नहीं मैं नहीं रोंगा वैसे तो गुडलीन मैम गुडलीन मैम को बोलना मैम मैंने मनन टन का कोड यूज कर लिया अब देखना क्या हालत होती है आपकी मेरी तो क्या ही हालत होगी <laughs> चलिए परफेक्ट yes, परफेक्ट सब बच्चे आंसर कर सकते हैं लाइक टर्म ऑफ बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे है आई नो का मजा बट थोड़ा सा तो करना पड़ेगा अगर आप क्लास टाइम से ज्वाइन नहीं कर सकते तो ये देखिए नाइन एक्स स्क्वायर ही तो आएगा ना बच्चा अच्छा एक बार मैं बता देता हूं वापस से जिन बच्चों को डाउट है ठीक है जिन बच्चों को एक सेकेंड मुझे यहाँ बताओ किस किस बच्चे को लाइक एंड लाइक टर्म्स में डाउट है ऐसा बोलो कि आई हैव डाउट मैं पूछ रहा हूं कि लाइक अंड लाइक टर्म्स में किस किस को डाउट है वो बच्चे मुझे बता दो मैं 10 सेकंड 15 सेकंड में खत्म करके बता दूंगा कैसे देखना होता है लाइक अन लाइक ओके लाइक एंड लाइक कैसे देखना होता है मैं दस पंद्रह सेकंड में बता दूंगा यस yes. जल्दी से मुझे बता दो कि आई हैव डाउट या आई डू नॉट है डाउट बताइए आई हैव डाउट आई हैव डाउट मी नो डाउट सर आज भी आ जाना ग्यारह बजे क्लास में हा हाँ जी ओके गरिमा श्रीवास्तव ओके ठीक है आई हैव आई हैव बच्चों टाइमर चालू कर लो सुनो so, no, सब बच्चे मेरे फाइव फोर थ्री टू वन करके टाइमर चालू करेंगे सिर्फ पंद्रह सेकंड में खत्म हो जाएगा हमारा लाइक अनलाइक टर्म्स ठीक है इन फाइव फोर थ्री पंद्रह सेकंड बोल रहा हूं टू वन बच्चों एक्स का लाइक टर्म क्या होगा एक्स के साथ वाला नाइन एक्स का लाइक like टर्म क्या होगा सेवन एक्स वाला हम सिर्फ वेरिएबल्स पे ध्यान देंगे कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई का लाइक like टर्म कौन सा हो गया सर एक्स स्क्वायर वाई वाला आगे कुछ मर्जी लिखा हो ये हो गए लाइक टर्म्स खत्म 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 पंद्रह सेकंड में खत्म लाइक टर्म्स हमारे लाइक अनलाइक टर्म सर जो सेम नहीं दिखेंगे वो जो वेरिएबल अलग अलग दिख रहे होंगे दे आर नॉट सेम भले कुछ मर्जी लिखा हो वेरिएबल अलग है तो आंसर अलग है दे आर अनलाइक टर्म्स खत्म टाइम अप करा दिया, पहले ही करा दिया मैंने मेरे को तो लाइक like समझाने थे लाइक like तो यहां तक खत्म कर दिया था मैंने यस yes. बोलो खत्म डाउट खत्म किस किसका डाउट खत्म हो गया किस किसका डाउट खत्म हो गया ट्वेल्थ सेकंड में यस yes, अथर सर सेकंड में सर ने बता दिया अंडरस्टूड जो सेम दिख रहा हो वो लाइक like है जो डिफरेंट वेरिएबल वाला हो वो अनलाइक है सा ही काम है यस yes, समझ आ गया सुपर, सुपर। तो अगर सुपर हो गया है हमारी क्लास में तो लेट्स गो अहेड और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं जो कि आने वाला है हमारा लीडर बोर्ड के बाद ओके okay? चलो सर आप भी आ जाना ओके okay, ठीक है सबका डाउट खत्म हो चुका है तो ये लीजिए सारे बच्चे लीडरबोर्ड पर ध्यान देंगे हां जी लव योर वे ऑफ टीचिंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो यहां पे काफी बच्चों ने सही आंसर किया था बट फास्टेस्ट है यहां पे धात्री issue, Manas, Renu, Nishi, Siddhi, Atharv, Anish, धात्री इज द फास्टेस्ट वी हैव फर्स्ट देन मानस रेनू नई सिद्धि अथर्व अनिश शाद मोहम्मद एंड धात्री वेरी गुड ये क्या लिखा है ट्वेल्व पॉइंट अरे बापरे इतना कम टाइम मैंने इतना बोलते हो थकते नहीं हो क्या बेटा गला दर्द होता है कभी कभी हाँ इसीलिए पानी लेके बैठता हूं मैं तो चलो थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ले लो क्वेश्चन कर लो विच ऑफ देम आर ध्यान देते हैं अगर आपको समझ आया तो यहां ध्यान देते हैं कि क्या समझ आया आपको hey. Unlike कौन सी है? सर 5X, 7X या 8Y2 -9Y2, या फिर 7 9Y, या क्या मजा स्कूल का मजा थोड़ा ना आता है अन अकेडमी पे इतना मजा यहाँ आता है सर देखो रॉनिक आ गया कहा रोनिक मेरे को नहीं दिख रहा सर रोनिक बोल रहा है कि रोनिक आ गया <laughs> बताओ

कोई लाइक नहीं करते आपस में ओके जी, ओके अभी भी किसी को डाउट है तो मुझे बता दो अभी भी किसी को डाउट है तो मुझे बता दो अभी भी किसी को डाउट है तो मुझे बता दो नाइशी नाइशी नॉइस बोलूंगा नॉइस चलिए फास्टेस्ट वेरी गुड हां जी सर आई एम लेट इट्स ओ कैन बी सर ने लॉकडाउन में एक चीज सीखी सिखाइए हमें भी सिखाइए क्या सीखा आपने तब तक बाकी बच्चे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कीजिए अर्चिशा नहीं अर्चिशा ऐसा तो कुछ नहीं है आई नेवर इग्नोर चलिए आपको ऐड और सब करना है बच्चों मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया बट मैं देखना चाहता हूं आपको आता है कि नहीं आता आपको इन सब वेरिएबल्स में ऐड और सब करना है क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो ये कौन कह रहा है आमिर कह रहा है सर फिफ्टी फोर फिफ्टी सिक्स वॉचिंग एन फोर्टी टू लाइक्स अरे आमिर को दिखा दो आमिर को दिखा दो चुटकी ही फिफ्टी प्लस पहुंच जाएंगे सर को मेन्टी एनर्जी देने के लिए रेडी हैं बच्चे आज रात्रि <laughs> मैं ना स्लो मोड दे दूंगा आपको फिर कमेंट नहीं कर पाओगे पंद्रह पंद्रह मिनट तक इतने बड़े बड़े कमेंट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट मारे जा रहे हो हाँ जी हाँ कि मोबाइल कितना जरूरी है सर अच्छा ये सीख लिया क्या वेरी गुड नो सर आई एम सुपर रीडर चलिए आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? अगर किसी बच्चे ने सही से सॉल्व किया होगा तो उसका फोर है एक्स तो, एक तो हैं हम एक है खाली स्लाइड पे खाली स्लाइड पे क्या बोला मुझे बच्चे कह रहे हैं, सर, दिखाओ आपने क्वेश्चन दिया था बड़ा सोरा सेवन एक्स स्क् उसके बाद क्या था प्लस नाइन वाई क्यूब उसके बाद क्या था वी हैड माइनस का थ्री एक्स फिर प्लस में था हमारा माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर फिर माइनस में था नाइन वाई क्यूब उसके बाद हमारे पास सब प्लस में थ्री एक्स ठीक है कोई दिक्कत नहीं है नहीं समझ आए तो देख लीजिए एक सेकेंड वीडियो टकरी है अभी सही कर देंगे सब सही कर देंगे वीडियो अटक रही है तो ये लीजिए ये लीजिए आप नहीं अटकेगी सर की वीडियो ठीक है इसको और सेट कर देते हैं थोड़ा सा ओके एक सेकंड देना ये लो आप नहीं अटकेगी सर की वीडियो ठीक है चलिए सारे सेवन एक्स स्क्वायर इसकी लाइक टर्म कौन सी है सर माइनस थ्री का एक्सक्वायर तो क्या लाइक लाइक एड लाइक लाइक सब कर सकते हैं येस बच्चा कर सकते हैं इन दोनों को बनाया तो आया फोर एक्स स्क्वायर ठीक है ये दोनों खत्म इसका आंसर ये आया नाइन क्यूब कट गया माइनस के नाइन वाई क्यूब से डायरेक्ट कट हो जाएगा कुछ नहीं करना नाइन में माइनस नाइन कट करते हो नाइन वाई क्यूब में माइनस नाइन क्यूब कट हो सकता है देन यहां पे थ्री एक्स से कट हुआ माइनस का थ्री एक्स क्योंकि दोनों ऑपोजिट थे एक प्लस था, एक का एक माइनस का आंसर क्या बचा फोर एक्स स्क्वायर ओके फोर एक्स स्क्वायर वेरी गुड फोर एक्स स्क्स योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन बोलो किसको समझ नहीं आया बोलो किसको समझ नहीं आया yes no? क्वेश्चन को समझ नहीं, तो नहीं समझाऊंगा <laughs> देख लो आराम से कॉपी में लिखो कॉपी में लिखो एक एक स्टेप लिखो कौन सा लाइक कौन सा अनलाइक जैसे कि ये वाला और ये वाले लाइक टर्म्स हैं. बट एक माइनस एक प्लस है तो काट दो उनको ये ये माइनस प्लस कट जाएंगे सेवन एक्सक्वायर में से माइनस का थ्री एक्सक्वा फोर बच्चा कमेंट आया था आमिर इकबाल का सर फिफ्टी सिक्स वॉचिंग पे फोर्टी टू लाइक है अब देखो वापस से फिफ्टी टू लाइक्स हो गए बच्चे इसको सिक्सटी भी पहुंचा सकते हैं यस आरिबा थोड़ी सी पीछे करो क्लास मैंने लाइक एंड लाइक टर्म्स बताए थे वापस से छोटे से पार्ट के अंदर पंद्रह बीस सेकेंड में आई गेस सेकेंड क्वेश्चन के बाद आप वो जाके देख लीजिए ओके आपको एक बार में समझ आ जाएगा मानस इट्स ओके डोंट यू डोंट हैव टू राइट इट एवरीवेयर आई आई नो यू आर सॉरी डोंट वरी एम ओके ठीक है सर यार बहुत गलत बात है मुझे लगा आप क्लास नहीं लोगे बिकॉज आपकी स्पेशल क्लास में हेडेक हो रही थी लेकिन अपने ले ली मेरे साथ धोखा हुआ मुझे जस्टिस चाहिए मैंने पेस्ट्री खा ली मैंने पेस्ट्री खा ली मेरा जस्टिस हो गया चलो फिफ्थ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा आ जाइए सारे बच्चे ध्यान देंगे विच ऑफ देम आर लाइक टर्म्स यस एक भी बच्चा गलत नहीं होना चाहिए लाइक like टर्म्स का कॉन्सेप्ट ओके लाइक टर्म का कॉन्सेप्ट किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए चलिए वे कॉम पेन टेपर जो आपके पास है उससे बेटा ये वाला तो मेरे हाथ में है ये तो आपके हाथ में है ही नहीं <laughs> चलिए क्या आंसर आएगा इसका गलत कर दिया हाय राम गलत कर दिया हाय राम गलत मत करो गलत मत करो ऑप्शन का खेल है ऑप्शन का खेल है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर देखो कहां गलती देखना ध्यान से कहां गलती करी है आप लोगों ने ओके ध्यान से देखना कहां गलती करी है एक ऑप्शन जो मैंने दिया था वो क्या था वो क्या था बच्चों वो था एट वाई एक्स स्क्वायर एंड साथ में एट एक्स स्क्वायर वाई देखिए एट वाई एक्स स्क्वायर और एट एक्स स्क्वायर वाई ध्यान से देखो वेरिएबल भैया कौन कौन है यहाँ पे वेरिएबल भैया से पूछा अरे आप में कौन कौन है वो बोले मेरे पास एक वाई है भैया मेरे पास एक एक्स भी है भैया मेरे पास एक एक्स भी है भैया इससे पूछा एक सेकेंड मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या एट वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर ओके 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 मुझसे गड़बड़ी हुई है यहां वेरिएबल्स ये दिए हुए थे क्वेश्चन में ठीक है यहां वेरिएबल्स ये दिए हुए थे हमारे पास हमें पहले वाले से पूछा गया ए कौन कौन से वेरिएबल लेके बैठा है रे तू तो उसने बोला वाई है भैया और दो एक्स है भैया यहाँ पे पूछा गया कौन कौन से वेरिएबल है रे तेरे पास वो बोला दो वाई है और एक एक्स है क्या हमारे लोग अलग अलग हो गए क्या हमारे वेरिएबल्स अलग अलग हो गए एक जगह वाई दो जगह एक्स एक जगह एक्स दो जगह वाई अलग मतलब they are unlike. They are unlike. ध्यान से करो क्वेश्चन देख के समझ आएगा फिर ओके जी हाँ ध्यान से करो देख के क्वेश्चन को ऑप्शंस पे ध्यान दो ऐसा नहीं एक ऑप्शन देख के टिक मार दिया अच्छा अभी एक और डाउट बचा होगा कि सर वाई इज फाइव एंड माइनस फाइव लाइक टर्म्स बच्चा दोनों में कोई वेरिएबल नहीं है दोनों में कोई वेरिएबल नहीं है अगर वेरिएबल नहीं है तो वो लाइक हो जाएंगे ना यू कैन यू कैन देम, आप कर सकते हैं मैंने तो चाप और कॉफी खाने में ली थी बहुत ज्यादा डस्टस किसके साथ हुआ चाँप नहीं चाप होगा सोया चाप की बात कर रहे हो ना सोया चाप होगा वो तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल से पहले लीडरबोर्ड दिखाया जाएगा आपको हाँ जी सर पेस्ट सर आपको कैसे पता चला कॉपी पेस्ट करते हो इतना लंबा टाइप नहीं कर सकती जल्दी आप ठीक है हेलो 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 हाय चलिए आंसर करेंगे अगले क्वेश्चन का आफ्टर दिस रेनो अगला क्वेश्चन ध्यान से करना एक गलत हो गया आई डोंट वॉन्ट कि आपको और क्वेश्चन गलत करो ठीक है आप मेरे बनो तो वेरी गुड स्टूडेंट हो चलो सिक्स क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा लीडर बोर्ड दिखाया ना ये रहा लीडर बोर्ड स्क्रीन पे चलो राइट द एक्सप्रेशन नंबर एडेड टू टाइम्स द द सम ऑफ एंड एक्सप्रेशन लिखने को बोल रहा हूं यस गरिमा लाइव का मजा ही अलग होता है आई नो आई नो लाइव का मजा अलग होता है सर कमेंट पढ़ते हैं तभी तो बच्चे को पता लगता है कि ये लाइव क्लास चल रही है राइट right? ओके okay. हाँ मैं कमेंट्स देख लेता हूँ जल्दी जल्दी बाकी आप लोग बताइए ओ हैकर बोल दिया किसी को हैकर वैकर नहीं होते हमारी क्लास में ना 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 चलो सर मैंने खरीदा आपने मुझे वही सजेस्ट किया तो वही ले लिया बेटा मैंने सजेस्ट नहीं किया हम वो यूज करते हैं मेरे को खुद आइडिया नहीं है पेन टाइप कितने आते हैं मेरे को तो हम अकेडमी ने सजेस्ट किया कि आप ये वाला ले लो इससे बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हो तो आप हमने ये ले लिया जी हाँ सर कोड सत्य साकेत कोड विल बी गिवन टू यू इन द लाइव चैट थ्री वन जीरो डबल टू सिक्स लो कमेंट सेक्शन में कोड ले लो ठीक है नाउ द आंसर विल बी नंबर फाइव एडेड टू नंबर फाइव मैंने एड कर दिया टू थ्री टाइम्स द सम ऑफ एम एंड एन एम और एन का सम किया उसको ट्रिपल कर दिया तो क्या थ्री दोनों में चला जाएगा क्या थ्री दोनों में चला जाएगा थ्री एम और थ्री एन के साथ तो क्या आंसर आया थ्री एम प्लस थ्री एन प्लस फाइव ये होगा इसका आंसर अच्छा कुछ बच्चों ने इक्वल वाला आंसर लगाया बेटा मैंने कहीं पर भी इज का यूज नहीं किया मैंने गिव्स का यूज नहीं किया क्या आपको ध्यान है ना कुछ वर्ड्स होते हैं बच्चों किन-किन को ध्यान है सिंपल इक्वेशन में कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें इक्वल का सिंबल डिनोट होता है जिनसे हम इक्वल के सिंबल का पता लगा सकते हैं किस-किस बच्चे को ध्यान है किस-किस बच्चे को ध्यान है वो वर्ड्स इंग्लिश के जिन से हम इक्वल का सिंबल बताते हैं जैसे कि एक इज के नाम से वर्ड है इज वर्ड का मतलब होता है इक्वल अगर हमारे स्टेटमेंट में आता है राइट right? एक होता है गिव्स एक होता है विल गिव यू ऐसे वर्ड्स होंगे ना आपने जब स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे राइट right? जब आपने स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे सिंपल इक्वेशंस के अंदर ऐसे वर्ड्स आते हैं क्या मैंने एक भी वर्ड यूज किया इनमें से नो no. मैंने क्या पूछा था फाइंड द एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क होता है सर इक्वल के सिंबल का इक्वल का सिंबल एक्सप्रेशन में नहीं आता ठीक है तो जिन बच्चों ने गलती करी है थर्ड ऑप्शन लगा के वो ये ध्यान रखेंगे कि मैंने एक्सप्रेशन पूछा था बच्चा इक्वल का सिंबल आता ही नहीं है वहां तो ओके तो थोड़ा सा ध्यान से करना अगली बार ओके ठीक है गलती हो गई इट्स ओके okay. इन बच्चों ने ऑलमोस्ट सही आंसर किया था। सी ऑप्शन लगाया उनका ऑलमोस्ट सही था बस वो इसमें कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा कि यहाँ पे सिंपल इक्वेशन था या फिर हमारे पास एक्सप्रेशन था ठीक है टाइम टेबल लास्ट में टाइम टेबल लास्ट में दे दूंगा पक्का पक्का ठीक है विच सब्जेक्ट डू यू टीच क्या दिख रहा है आपको सामने कैप्शन पढ़ो क्या दिख रहा है इट इज मैथमेटिक्स बच्चा मैथमेटिक्स सर का फेवरेट एंड

राइट द एक्सप्रेशन चलो हाँ एक और मेंटी है क्या नहीं नहीं बेटा एक ही मेंटी है मेंटी एक ही है बट अमेजिंग मेंटी तो एक ही होती है देखो स्कूल का पेपर एक बार होता है ना फाइनल वाला तो अमेजिंग मेंटी सर की क्लास में एक ही होती है ठीक है सर मैं हैकर हूँ मेरे को क्या पता आप हैकर हो सकते हो चलिए मतलब अच्छा इट्स ओके श्रियांस कोई बात कोई बात नहीं जस्ट लीव इट ओके जस्ट लीव इट यू दे दूंगा ना लास्ट मैंने मना थोड़ी ना ना, करा, के में पढ़ लो पहले थोड़ा सा, वन so, बेटा जी ये क्या है प्रिपरेशन ही तो की आपके सॉल्व करो इस क्वेश्चन को ऑप्शन डी इज नंबर्स बेटा हाफ करना है सम का एक्स और वाई के सम का सम तो ऐसे ही हाफ होता है एक्स और वाई का सम करके हाफ कर दो चलिए अगली बार मैं एक स्किप, कर रहा हूं। मेरा एक स्किप कर रहा हूं ठीक है सारे दिखा दिए क्वेश्चन अच्छा। okay. हमारी स्क्रीन पे बच्चों देख लीजिए क्या है तब तक मेरा कुछ लॉस्ट हो गया मैं ढूंढ लेता हूं एक सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पढ़ो क्या है जी हाँ हु टीचर साइंस हमारे सोनाक्षी मैम सिखाते हैं साइंस हमारे ओके सोनाक्षी मैम पढ़ाते हैं साइंस चलिए ओके सर क्लास में मैंने आपको तंग नहीं किया यस अनवी यू डिड नॉट यू डिड नॉट जी हाँ क्या सबके आंसर आ रहे हैं क्या बच्चों देखो एक चीज बस मुझे आपसे कंप्लेन है आप कैसे मर्जी बातें करो चैट में मस्ती मारो बस लाइक करके जाया करो और मैं कुछ नहीं बोलता एक चीज मान लिया करो लाइक करके जाया करो एंड हमारा आंसर आएगा टू एक्स स्क्वायर ऑल दी क्वेश्चन सेम है जो मैंने पिछले क्लास में भी करवाया था कल की मेंटी के अंदर फर्सों की मेंटी के अंदर बट बच्चों ने फिर भी गलत किया वाई स्क्वायर का कॉफिशियंट निकालना है तो वाई स्क्वायर को छुपा लो बचा हुआ कॉफिशियंट रह जाएगा टू एक्स स्क्वायर इजी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन हेलो मधु सर फुल स्क्रीन अरे हाँ अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं ओके कल्पना जी के नहीं हमारे चैनल पे वी हैव साइंस वी हैव मैथ्स वी हैव इंग्लिश राइट नाउ बट मोर सब्जेक्ट्स विल कम टू यू एस भी चालू होने वाला है अभी ओके नाउ लास्ट सेकेंड क्वेश्चन हमारी क्लास के अंदर क्या आएगा जी हाँ लास्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या आएगा नाइन्थ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे सामने इट इज सिंप्लीफाइड दिस टर्म दिस एक्सप्रेशन चलिए सर हैकर नहीं होता है मैटर होता है कुछ भी बोलोगे मतलब कुछ भी बोलोगे मतलब राइट right? चलो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एक साथ बहुत सारे डाउट आने वाले हैं एक साथ बहुत सारे बच्चों के डाउट आने वाले हैं ओके एलोकेशन यस चलो थ्री ए माइनस टू बी देन वी हैव मेरे को नहीं मालूम कोई बात नहीं कोई बात नहीं रे चलो थ्री ए माइनस टू बी माइनस ए बी हाँ जी वट इज दट इट इज अ क्वेश्चन इट इज अ क्वेश्चन माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी चलो छोड़ो बोल के नहीं बताते पूरा सॉल्व करके देखो पूरा सॉल्व करके देखो ओके चलो माय नेम इज ओ ओके जय पब जी नहीं बोलो जय फ्री फायर अरे कुछ मर्जी बोलो रे जय मैथ्स बोलो ठीक है जय मैथमेटिक्स बोलो चलो आई थिंक द ऑप्शन आर रॉन्ग नो नो द ऑप्शन आर परफेक्टली ऑल राइट परफेक्टली सही ऑप्शन हमारे ओके आर परफेक्टली करेक्ट ध्यान ध्यान देंगे ध्यान देंगे कितना टाइम रह हम्म यहां पे? हो चुका है अब हमारा बच्चों यहां पे ऑप्शन क्या है हमारे हमारा आंसर है सी ऑप्शन मैं दिखाऊंगा कैसे सी ऑप्शन आपका ये इसको हटाते हैं थ्री ए माइनस टू बी माइनस ए बी फिर माइनस लगाया हुआ है आगे जल्दी से देख लो ये क्वेश्चन किस किस को डाउट है मुझे बताओ जल्दी से क्वेश्चन में किस किस को डाउट है मुझे बोलो आई है मुझे लिख के बताओ आई हैव डाउट लिख के बताइए आई हैव डाउट एंड मैं डाउट सॉल्व करूंगा उसके बाद ठीक है बट प्लीज इंश्योर मी लोगों को डाउट है यहां पे मेरे को है 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 मेरे सबको है तो चलो सबको डाउट है तो यहां आ जाइए ये रहा हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन देखना मैं सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करूंगा बच्चों ओके मैं सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करूंगा अरे तू काम कर ले रे पेन एक बार में क्या दिक्कत है तेरे को चलो एक सेकंड रुकना ये क्या लाइनें आ गई चलो मैं सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करूंगा इक्वल लिख के बच्चों देखो थ्री ए माइनस टू बी माइनस ए बी ब्रैकेट ओपन करती माइनस ए प्लस बी और माइनस का ए बी फिर नीचे आएगा प्लस का थ्री ए बी प्लस का बी माइनस का ए मुझे ये बताओ कि इस लाइन के अंदर किसको डाउट है जो मैंने ब्रैकेट ओपन करा है मुझे इतना सा बताओ पहले यहां डाउट हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट यहां किसको है इस वाले ब्रैकेट को ओपन किया माइनस सिंबल ए से मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए माइनस सिंबल माइनस बी से मल्टीप्लाई हुआ प्लस बी एंड माइनस सिंबल प्लस ए बी से मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए बी यहां बताओ किसी को डाउट है नहीं है तो आगे बढ़ता हूं मैं लाइक like टर्म्स कौन सी है सर थ्री ए माइनस ए और माइनस ए थ्री के अंदर से थ्री ए में से एक ए और एक ए निकाल दिया क्या बचा थ्री ए माइनस ए माइनस ए क्या ये ए बच गया क्या ये ए बच गया एक सिंगल का ए बच गया देन इसके बाद मैंने माइनस टू भी लिया मैंने उसमें प्लस किया एक बी प्लस किया दूसरा बी क्या ये कट हो गया आपस में पूरा कट माइनस का टू बी ए और ए से कट हो गया क्या नहीं हो गया तो बचा क्या सर यहां पे माइनस का ए भी बचा देन ये माइनस का ए भी बचा और पूरे के सम में क्या बचा थ्री ए बी इन तीनों को ऐड करते क्या बना सर थ्री में से दो चले गए ए बी रह गया देखो एक एक स्टेप एक एक स्टेप लेंगे अनलाइक टर्म्स को पकड़ लिया पहले लाइक लाइक टर्म को मैंने कंबाइन करके लिखा ये रही मेरी एक सेट ऑफ लाइक टर्म्स ये रहा मेरा दूसरा सेट ऑफ लाइक टर्म ये रहा मेरा तीसरा सेट ऑफ लाइक टर्म्स इसमें हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया यस जी यू आर द बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर थैंक यू थैंक यू बच्चा ये बताइए पर मुझे क्या सबको समझ आया ये क्या मैंने एक एक स्टेप लेके बताया आपको कि मैंने पहले ब्रैकेट ओपन किया बोर्ड मास के रूल से Then, हमने क्लब किया सारी लाइक like टर्म्स को सर जिस जिस के अंदर ए वेरिएबल था हमने उनको यहां लिख लिया बी वेरिएबल को अलग लिख लिया सी ए बी वालों को अलग लिख लिया एंड हमने उनको कंबाइन कर दिया बस इतना सा काम किया ये हो गया हमारा आंसर ठीक है अगर ये आंसर आ गया तो जल्दी जल्दी क्वेज खत्म करते हैं हमारी लास्ट का क्वेश्चन बचा है लास्ट क्वेश्चन खत्म करके खत्म करते हैं हमारी क्वेज जो कि हमें लीड बोर्ड दिखाई इसके बाद तो मैं एक लीड अबाउट स्किप कर रहा हूं सिर्फ एक लीड अबाउट लास्ट वाला ओके लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों टेंथ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या आएगा ये रहा टेंथ क्वेश्चन ओके श्रेयांस आई विल सी इट आई विल सी व्हाट आई कैन डू आप बता देना गुडलीन मैम को इसको ऐड करके देखो 14x 10y minus 12xy minus 13 और 18 minus 7x minus 10y 8xy और 4xy एक क्वेश्चन है अच्छा आप लोग सब ऐड करोगे और क्या करोगे आप लाइक टर्म्स को अलग क्लब करोगे बाकियों को अलग क्लब करोगे एक बार ट्राई करो एक बार ट्राई करो मजा आएगा इस क्वेश्चन के अंदर यू विल डेफिनेटली लाइक दिस क्वेश्चन सर वेरी सर बेटा जयंस सर छोड़ के जा चुके हैं हमें अन अकेडमी को मार्च के एंड में शायद जितना मुझे याद आ रहा है ओके बाकी अपने घर पे हैं वो मेरे फ्रेंड है मुझे पता है वो घर पे हैं अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी यस केडमी ऐप फ्री है सर यस गरिमा अन अकेडमी ऐप फ्री है आप इंस्टॉल तो कीजिए मैं बता दूंगा कैसे करनी है अभी एक मिनट में बता दूंगा मैं ठीक है एक मिनट वेट कर लो नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा यहां पे बट मैं आंसर आपको बता देता हूं आंसर इज बी ऑप्शन सेवन एक्स माइनस का थर्टीन और यहां कुछ गड़बड़ी थी यहां कुछ गड़बड़ी थी एक सेकेंड एक सेकेंड क्वेश्चन में एक बार कुछ गड़बड़ी थी प्लस फाइव आना चाहिए यहाँ पे जो कि मैंने ही गलती से गलत लिख दिया यहाँ पे एक सेकेंड रुको तब तक ये देख लो आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं ये वाला आंसर मैं सबका हटा दूंगा आंसर मैं सबका हटा दूंगा एक बार क्योंकि छोटी सी गड़बड़ी हो गई है इस क्वेश्चन के अंदर ओके मैं इसका आंसर सब बच्चों के लिए हटा देता हूं आंसर थोड़ा सा लगाएगा तो चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा क्वेश्चन था फोर्टीन एक्स उसके बाद क्या था प्लस टेन वाई सब बच्चे मेरे साथ में बैठेंगे हम एक साथ सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन ओके माइनस का ट्वेल्व एक्स वाई फिर इसके अलावा और क्या है हमारे पास माइनस थर्टीन ऐड करने को बोला था आपको मैंने यहाँ पे एटीन माइनस सेवन एक्स और उसके बाद क्या है उसके बाद माइनस टेन वाई माइनस का टेन वाई एक सेकंड क्वेश्चन लिख ले दो मेरे को माइनस का टेन वाई जी करेक्ट दिस क्वेश्चन हाँ जी करेक्ट कर रहे हैं करेक्ट कर रहे हैं आपको बता देता हूं आंसर क्या आएगा इसका ओके फिर है प्लस में एट एक्स वाई और प्लस में है हमारे पास फोर एक्स वाई चलो क्वेश्चन मैंने लिख लिया नाउ देखो नाउ देखो नाउ देखो, देखो मैं ले रहा हूं फोर्टीन एक्स को

एक्स वाई लिखना पड़ेगा ये वाला इसके लाइक टर्म्स ये दोनों हैं एट और फोर ट्वेल्व एक्स वाई प्लस का कट गए कट गए तो क्या बचा एटीन और थर्टीन सर प्लस एटीन माइनस थर्टीन द आंसर इज सेवन एक्स प्लस फाइव अब मैं ऑप्शन चेंज नहीं करूंगा मैंने सबका ही हटा दिया एक बार ठीक है स्क्रीनशॉट लेना है एक बार ले लो ओके मोर लाइक देन सींग यस हाँ जी चलिए बहुत सारे लाइक्स है क्लास में वेरी गुड तो चलो ये एक ले लो मैं आपको लीड अबोर्ड दिखा देता हूं जो कि मिस हो गया हमारा ठीक है तो चलो इधर आ जाएंगे हम इस क्वेश्चन को मैंने सारे सबके ऑप्शन हटा दिए यहाँ पे मैंने ओके किसी का सही काउंट नहीं किया मैंने मुझसे गलती हो गई थी आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट चलिए ये क्वेश्चन हो गया है हमारा डन एंड लीड अबोर्ड क्या है हमारा लीड अबोर्ड है हमारा बच्चों फर्स्ट वी is the मैं सर्टिफिकेट लेके आया हूं क्या? मैं लेके नहीं आया एक मिनट रुक जाओ दो आपको मुझे. स्क्रीन पे जो है they are the winners of our mentee, और सर्टिफिकेट यहीं कहीं छुपाया होगा मैंने तो आ, यहीं छुपाया था मैंने सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट किधर है हम्म सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है क्या करें अब? क्या करें अब सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा बच्चों क्या करा जाए चलो आई हैव अनदर वन हियर एक सेकेंड रुकना आई हैव अनदर वन हियर यहां होना चाहिए एक एक सेकेंड रुकना एक सेकेंड रुकना हाँ सर्टिफिकेट खुल जा रहे जा सिम सिम खुल जा सिम 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 खुला ही नहीं एक सेकेंड रुकना बच्चों सर्टिफिकेट कहां है ओपन क्यों नहीं हो ये बच्चों ओपन नहीं हो रहा सर्टिफिकेट तो दिक्कत हो गई हमारी स्क्रीन पे क्या करें अब चलो मैं एक बार टॉप टेन के नाम ले देता हूं ठीक है सर्टिफिकेट ओपन नहीं हो रहा टॉप टेन के नाम ले देता हूँ फर्स्ट पे है हमारे साथ इशू, देन वी हैव, मानस, देन वी हैव शवनी देन वी हैव देन वी हैव है शायद है ना सिक्स पे सिक्स पे हर्षित होगा सेवन पे दिव्यांश फिर रेनू फिर अथर्व एंड लास्ट में ग्रेस के नाम से ओके okay? ये है हमारे टॉप टेन हमारी क्लास के अभी के ओके okay? तो चलिए ये हो गया हमारे टॉप टेन एंड सर्टिफिकेट ओपन अभी भी नहीं हो रहा है रे क्यों ओपन नहीं हो रहा है तू क्यों ओपन नहीं हो रहा है क्या दिक्कत है तेरे को ओके हो गया ओपन हो गया हो गया ओपन हो गया, गया हो गया ओपन हो गया हाँ हो गया ओपन हो गया बस दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूं हो गया ओपन ये है ये रहा ऑलमोस्ट तो हियर ये वाला होना चाहिए हाँ ये स्लाइड ये रही स्लाइड सर्टिफिकेट की ठीक है ये मैं आपको दे रहा हूँ सर्टिफिकेट हमारा आजा बाहर छू मंत्र ये लो ये रहा सर्टिफिकेट फर्स्ट पे है हमारे साथ इशू जिसको मैं दे रहा हूं फर्स्ट नंबर का सर्टिफिकेट देन सेकंड पे कौन थे सेकंड पे मानस थे क्या सेकंड पे मानस थे सेकंड पे है मानस एंड थर्ड पे कौन है हमारे साथ थर्ड पे थे श्रवनी थर्ड पे है श्रवनी ऑन दिस मेंटी डे ऑफ कितनी 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 16 जून इन अप्रीशिएशन फॉर विनिंग मेंटी ये लीजिए ये लीजिए सर्टिफिकेट सर स्टूडेंट को दीजिएगा नहीं बेटा हमारी क्लास में टॉप थ्री को ही मिलता है ओके okay? टॉप थ्री को ही मिलता है हमारी क्लास में सो हेयर इज अ सर्टिफिकेट एंड बच्चों अब मैं काम करता हूँ थैंक यू बोल देते हैं आप लोगों को बच्चों ये लीजिए हम आ गए हमारी पुरानी क्लास में तो चलिए सो so, आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए हमारे में बच्चों जो बच्चे पूछ रहे थे कि अन अकेडमी की ऐप कैसे यूज करनी है मैं उनको बता देता हूं कि अन अकेडमिक की ऐप यूज करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा या फिर एप्लीकेशन स्टोर पे जाना पड़ेगा अनअकेडमिक की ऐप वहीं से आप इंस्टॉल कर सकते हो फ्री में आप वहां पे अकाउंट क्रिएट कर लीजिए आप वहां पे गोल सेलेक्ट कर लीजिए दैट्स इट यू आर डन आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑफर जहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस के सारे बेनिफिट्स हैं एक सेकेंड स्लाइड क्यों नहीं आ रही यहाँ पे हाँ प्लस के सारे बेनिफिट्स है इसके अलावा पर्सनल मेंटर और है और हमारे लाइव डाउट सॉल्यूशन और मिलेंगे आपको इसके अलावा आपकी प्राइसिंग है आपकी स्क्रीन पे बच्चों वन ईयर टू ईयर कोर्सेस आपको मिलेंगे एंड एंड के के कोर्स बट आप क्या करो बाकी बच्चों जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है सिर्फ और सिर्फ थ्री मंथ्स का कोर्स ट्राई कर लो थ्री मंथ्स में अगर आपको लगे कि अनेक आदमी आपका फायदा कर रहा है आपके स्कोर बढ़ रहा है तो आप जरूर बड़ा कोर्स लेना कोई मना नहीं कर रहा बट अभी बड़ा कोर्स मत लो भले आपकी इच्छा है तो

यहाँ पे भी थ्री मंथ का कोर्स ट्राई कर लो इसके अलावा आई ऑलवेज डू फ्री स्पेशल क्लासेस हर दूसरे दिन में क्लास लेता हूँ 12 वाले डेट की ले चुका हूँ क्लास मैं एंड 14 वाले डेट की क्लास ले चुका हूँ बट एटीन को है नेक्स्ट क्लास एटीन को आप ले लेना मुझसे स्केड्यूल यस टाइम टेबल देना था गरिमा सुबह बारह बजे एक क्लास होती है हाफ आर की क्लासेस सारी हाफ आफ आर की क्लासेस वन थर्टी पे एक क्लास होती है टू थर्टी पे एक क्लास होती है और सेवन पी एम पे एक क्लास होती है और मैं बता दूं इसके अंदर और टू थर्टी वाली क्लास के अंदर ही स्टडी होती है यहाँ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं यहां मेंटी करते हैं वन थर्टी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हमारी और सेवन पी एम पे हम मेंटी करते हैं टीएम और टू थर्टी पी एम पे हम मेन पढ़ाई करते हैं ओके तो चलिए ये सर सर मैं कब आऊंगी लीडर बोर्ड जब आप क्वेश्चन सही करेंगे टाइम से ओके तो चलिए मिलते हैं आपसे कल राइट बारह बजे सुबह सुबह ओके गुड नाइट अच्छे से खाना खाओ खूब सारा पानी पियो और मस्ती मारो बाय